नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। अनेक उपमा उपमेय से युक्त जीवन के धनी डॉक्टर रघुवंत प्रसाद सिंह ने अपने को चरितार्थ करते हुए इस नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया। सादगीपूर्ण जीवन शैली और जनकल्याण के लिए हमेशा वे असंख्य जनों के हृदय बसे रहेंगे। एसडीएफ न्यूज परिवार की ओर से भी भावभीनी श्रद्धांजलि। रविवार को दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद चिर निद्रा में सोए डॉक्टर रघुवंश बाबू का पार्थिव शरीर लोगों के दर्शनार्थ उनके पटना स्थित आवास पर रखा गया, जहां विभिन्न दलों के नेताओं, लोगों एवं चाहने वालों ने उनका अंतिम दर्शन किया। आज ही वैशाली जिला स्थित उनके पैतृक गाँव में अंतिम संस्कार होगा। आम जनों के लिए ब्रह्मा बाबा, मंत्री जी, नेता जी और न जाने कितने नामों से विख्यात रहे डॉक्टर रघुवंश बाबू, गरीबों के लिए देश की मनरेगा मैन भी बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सीएम नीतीश कुमार से आग्रह किया कि आप और हम दोनों मिलकर डॉक्टर रघुवंश बाबू की जनोपयोगी अंतिम इच्छा पूरी करें। मुख्यमंत्री ने उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य शुरू भी कर दिया है। राजद से नाता तोड़ चुके डॉक्टर रघुवंश बाबू के निधन के बाद 7 दिनों तक शोक और 3 दिनों तक राजद कार्यालय बंदी का ऐलान राजद के द्वारा किया गया है। आज से सूबे के ट्रक संचालक अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। 5 लाख ट्रक ऑपरेटरों ने चक्का जाम कर ऐलान कर दिया है और सरकार पर प्रेशर बनाया है। इससे महंगाई बढ़ने का अंदेशा भी हो गया है। आज से दिल्ली में कोरोना काल का संसद सत्र शुरू हो गया। 18 दिनों के लिए निर्धारित इस सत्र में केंद्र सरकार की ओर से 47 बिल पेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 902 करोड़ रुपए के बिहार के लिए 3 बड़ी योजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में बिहार विकास का केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विश्वास भरे लहजे में कहा है कि विकास के रास्ते पर बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जदयू और लोजपा के साथ ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर एनडीए में जोश पैदा कर दी है। केवल सीट शेयरिंग का काम जल्द दिल्ली में पूरा किया जाएगा। इन दिनों पटना के लोगों को यातायात व्यवस्था में काफी परेशानी हो रही है। लगातार जाम की स्थिति बनने से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी देर हो रही है। बेतरतीब वाहन परिचालन ही जाम का कारण है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने अब कहा है कि भाजपा को नीतीश पर भरोसा है और उन्हें भाजपा की नीतियों पर इस बीच 16 तारीख को अपने संसदों की बैठक बुलाई है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।